गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, और दूसरा किसके बारे में पढ़ लिया था? उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि किस तरीके से हम दर्पणों के द्वारा क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? वस्तु की बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? बिंब। वस्तु भी बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास ये कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। और वैसे लेना चाहें तो हम कौन से दर्पण भी ले सकते हैं? गोलीय दर्पण भी ले सकते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण भी हम ले सकते हैं। तो देखो, ये जो समतल दर्पण है इसके द्वारा परावर्तन की घटना होती है और हमें क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखो, यहाँ हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक वस्तु है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मान लो हम बोल देते हैं मोमबत्ती है। ठीक है, अब समतल दर्पण मैंने पहले भी बताया था कि वही होता है जिसका उपयोग हम घरों में चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जो घरों में हम दर्पण काम में लेते हैं उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो हम तो क्या होते हैं? वस्तु होते हैं। क्या होते हैं? वस्तु होते हैं। और जो दर्पण में दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले हम किसको परिभाषित कर रहे हैं, वस्तु या बिंब को? किस तरीके से व्यक्त करते हैं? किरणों के द्वारा, वो देख रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? मोमबत्ती है। अब क्या है? ये वस्तु है। इससे क्या निकलती है हमारे पास? किरणें निकलती हैं। जैसे सूर्य है, यहाँ से सूर्य का क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती किसके सामने रखी हुई है? दर्पण के सामने रखी हुई है। इस मोमबत्ती से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा? किरणों के रूप में निकलेगा। और ये प्रकाश कहाँ जा रहा है? हमारे पास दर्पण पर जा रहा है। तो इसी आधार पर हम किसकी परिभाषा बनाते हैं? वस्तु की परिभाषा बनाते हैं। वस्तु क्या होता है? वस्तु वह होती है जिससे प्रकाश की क्या निकलती है? किरणें निकलती हैं। क्लियर है? वस्तु या बिंब क्या होती है? जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं, आरंभ होती है या निकलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु या बिंब बोलते हैं। ये देखो, मोमबत्ती हमारे पास क्या है? वस्तु है। मोमबत्ती क्या है हमारे पास? वस्तु है, क्योंकि इससे क्या निकल रही है? प्रकाश की किरणें। अब क्या होगा, ये जो वस्तु होती है हमारे पास, जब ये दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। मोमबत्ती किस में दिखाई देती है? दर्पण में दिखाई देती है। तो इसी के आधार पर हम किसको परिभाषित करते हैं? प्रतिबिंब को परिभाषित करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, कैसे समझा सकते हैं इसकी परिभाषा, प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। तो देखो, ये वस्तु है। देखो, वस्तु से प्रकाश की किरणें, वस्तु से प्रकाश की किरणें आरंभ होकर, वस्तु से प्रकाश की किरणें आरंभ होकर, ये आरंभ हो रही है, इसमें से निकल रही है हमारे पास प्रकाश की किरणें, है ना। आरंभ होकर परावर्तन,
दर्पण क्या करता है हमारे पास, इन किरणों का परावर्तन करता है, यानी कि वायु में से आ रही है, दर्पण पर पड़ेगी, वापस वायु में आ जाएंगी, यही करता है हमारे पास, होकर परावर्तन या अपवर्तन। अपवर्तन अभी हम आगे पढ़ेंगे। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं, जहां मिलती है वहां वस्तु की अनुभूति को, वहां वस्तु की अनुभूति को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वहां वस्तु की अनुभूति को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये देखो क्या आ रही है हमारे पास, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ेंगी तो इन किरणों का क्या होगा हमारे पास, परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात ये किरणें क्या होंगी, मिलेंगी, और हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब वही होता है जो हमें कहाँ दिखाई देता है, दर्पणों में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ हम इसको ऐसे व्यक्त करेंगे कि वस्तु यहाँ रखी हुई है, इससे प्रकाश की किरणें गई, दर्पण से परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात ये हमारी नेत्र में आती है और हमें क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बनाई, वस्तु से प्रकाश की किरणें आरंभ होकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती है वहां वस्तु की अनुभूति होती है, यानी वस्तु जैसा प्रतीत होता है वहां, वहां वस्तु की क्या होती है, अनुभूति को वस्तु का क्या कह देते हैं हम, प्रतिबिंब कह देते हैं, यानी कि ये हमारे पास प्रतिबिंब है और ये वास्तव में क्या है, वस्तु है। तो देखो यहाँ हम जो प्रतिबिंब बनाना पड़ेंगे वो गोलीय दर्पणों के द्वारा भी पढ़ेंगे, है ना, किसके द्वारा पढ़ेंगे हम, गोलीय दर्पणों के द्वारा भी पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पणों के द्वारा जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, ये जो प्रतिबिंब जो होता है ना, ये जो प्रतिबिंब होता है इसकी भी दो प्रकृति होती है। प्रतिबिंब को भी हमने कितने भागों में बांट रखा है, दो भागों में बांट रखा है। प्रतिबिंब को भी कितने भागों में बांट रखा है हमने, दो भागों में बांट रखा है। एक तो हमारे पास होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है, एक तो होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जो हमें ऐसा दिखाई दे रहा था ना, ये भी इनकी भी दो प्रकृति होती है, एक तो होती है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी होता है आभासी, या फिर हम इसे बोल देते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। दूसरे को वास्तविक, या पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ये किस तरीके का है, तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जो कि कैसे देखते हैं, कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। उल्टे बनने का मतलब है मोमबत्ती सीधी रखी हुई है और दिखाई हमें कैसी दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है। मोमबत्ती रखी कैसी है, सीधी, लेकिन दिखाई कैसी दे रही है, मान लो दिखाई कैसी दे रही है, ये उल्टी दिखाई दे रही है, तो हम कह देंगे ये कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कैसे होते हैं देखने में, उल्टे, और किरणें जो होती हैं, किरणें परावर्तन के पश्चात, किरणें परावर्तन के पश्चात कैसी मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती हैं। वास्तविक रूप से क्या होती हैं, मिलती हैं। किरणें परावर्तन के पश्चात सीधी सीधी ऐसे आएंगी, टकरा करके हो जाएंगी, मिल जाएगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा क्या होता है हमारे पास, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। भाई ये क्या होते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। जब ये प्रतिबिंब बनते हैं तो अगर ये मोमबत्ती सीधी है तो कैसी दिखाई देगी, सीधी ही दिखाई देगी। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे बनते हैं ये,
और किरणों को पीछे बढ़ाने पर, किरणों को पीछे बढ़ाने पर इन्हें व्यक्त किया जाता है। किरणों को पीछे बढ़ाने पर इन्हें क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। मतलब अभी जब हम प्रतिबिंब बनाना देखेंगे तो ये जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ये कैसे बनाएंगे? इसमें किरणें कहाँ बढ़ेंगी? पीछे की ओर बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें, क्या कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जो कि सीधे बनते हैं और किरणें वास्तविक रूप से जहां मिल जाती हैं वो बन जाता है। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जहां किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है और ये देखने में कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। इन्हीं के आधार पर इन दोनों में हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं। किस किस में? वास्तविक में और आभासी में। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं? दर्पणों के द्वारा क्या बनाना? प्रतिबिंब बनाना। यहाँ हम अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। उन ये जो प्रतिबिंब बनाएंगे इनको हम किरणों के द्वारा व्यक्त करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों को हम किसकी सहायता से व्यक्त करेंगे? किरणों की सहायता से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? नियम पढ़ लेते हैं। कुछ विशेष नियम हैं जिनकी सहायता से हम ये प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। और गोलीय दर्पण में हमने दो पढ़े हैं, एक तो क्या होगा? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण। देखो कैसे देखते हैं, इसके दो पार्ट्स पढ़ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवतल दर्पण के नियम, है ना। तो यहां हम लिख लेते हैं क्या अवतल दर्पण। ठीक है, क्या लिख लेते हैं हम? अवतल दर्पण लिख लेते हैं। अब देखो इसका पहला नियम क्या होता है, करना क्या चाह रहे हैं हम अवतल दर्पण द्वारा? आगे क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले हम नियम पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहला नियम देखो, सबसे पहले आप अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण हमने क्या कर लिया? ये बना लिया। कौन से पृष्ठ पर पॉलिश होती है? उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। वो दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर है ये बात? फिर इसमें हमने परिभाषा पढ़ ली थी पहले कि ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ध्रुव हो गया। और ये पहले गोला था तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। यहाँ मान लेते हैं ये कौन सा केंद्र हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ध्रुव होता है और ये जो वक्रता केंद्र होता है इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। तो हमने ये क्या लिख दिया? फोकस बिंदु लिख दिया। अब देखो हमारे पास पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। देखो यहाँ वस्तु हो गया ना, वस्तु से ही प्रकाश की किरणें आती हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये जो हमारे पास प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, आ रही है। तो जब भी ये आएगी तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और ऐसे ही हमने किसको परिभाषित किया था? फोकस को परिभाषित किया था। तो पहली परिभाषा क्या है, पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कौन सी किरण कहलाती है जो जा रही है? परावर्तित किरण। ठीक है, सेकेंड नियम क्या होता है कि ये हमने क्या बना लिया, अवतल दर्पण इसके उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, पॉलिश इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है हमारे पास? ध्रुव कहलाता है। इसमें एक क्या होता है, वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। सेकेंड नियम क्या कहता है कि यदि कोई किरण ध्रुव पर आ रही है तो वो जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। देखो ध्रुव पर जब भी ऐसे किरण आएगी तो यहाँ टकराएगी और उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? वो परावर्तित हो जाएगी। ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या होता है कि वो ही हमने क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ये बिंदु कौन सा कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। यदि कोई किरण कौन से बिंदु से गुजरकर दर्पण पर जा रही है, फोकस बिंदु से, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात कैसी जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कौन से वाले मार्ग में आ रही है? यदि कोई किरण फोकस वाले मार्ग में आएगी तो ये दर्पण से टकराएगी और मुख्य अक्ष के क्या निकल जाएगी? समांतर निकल जाएगी। ठीक है, और इसका जो फोर्थ नियम होता है वो क्या होता है, ये हमने क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। और ये मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव। ये कौन सा बिंदु? वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। यदि कोई किरण वस्तु में से आ रही है और वक्रता केंद्र वाले मार्ग में आ रही है तो ये किससे टकराएगी? दर्पण से। और ये वापस से ही अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। यानी कि यदि ये यहाँ आती है वक्रता केंद्र वाले मार्ग में तो यहीं से टकरा कर दर्पण से उसी मार्ग में क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो जब भी हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, उनको किरणों के द्वारा व्यक्त करेंगे, तो इन चित्रों का हम क्या करेंगे, काम में लेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो जो हमारे पास नियम आ गए हमारे पास, वो किसके लिए आ गए हैं? अवतल दर्पण के लिए आ गए हैं। किसके लिए आ गए हैं? अवतल दर्पण के लिए आ गए हैं। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के लिए, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, कि उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास उत्तल दर्पण बना लेते हैं हम। उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया था कि कौन से पृष्ठ पर पॉलिश होती है? दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। कौन से पृष्ठ पर पॉलिश होती है? दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है।
वक्रता केंद्र होगा सी, दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। ये कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण बन गया, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहली बात वो ही हम क्या करते हैं जैसे पहले कर रहे थे यहाँ। अब देखो इसमें वस्तु कहाँ होगी? इस साइड, क्योंकि पृष्ठ चिकना यहाँ है, यहाँ तो हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। जहां से पॉलिश करते हैं वहां से प्रकाश आपतित नहीं होता है, दूसरी साइड से होता है जहां पॉलिश नहीं की होती है। तो यहाँ कोई वस्तु रखी होगी, जैसे हमारे पास ये क्या है? मोमबत्ती है। और इससे क्या निकल के आएंगी? हमें पता है प्रकाश की किरणें, प्रत्येक बिंदु से निकलने आती है प्रकाश की किरणें, लेकिन हम केवल एक किरण के द्वारा ही इसको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, है ना। तो देखो एक किरण आ रही है, मान लो इसमें से निकल के कैसे आ रही है? ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है, तो आपको पता ही आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है? वायु है। फिर ये क्या है? कांच है। तो फिर दोबारा से ये वायु में जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी ये किरण। और इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से आती हुई नजर आती है? देखो ये कहाँ से आती हुई नजर आती है? फोकस बिंदु से आती हुई नजर। ये हमने फोकस की परिभाषा में भी पढ़ा था। किसकी परिभाषा में पढ़ा था? फोकस की परिभाषा में पढ़ा था। तो देखो पहला नियम यही है कि उत्तल दर्पण में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये इस दर्पण से टकरा कर कहाँ से आती हुई नजर आती है परावर्तित किरण? फोकस से। ये देखो जो जा रही है ना, ये कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? फोकस से आती हुई नजर आ रही है। कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? ये फोकस से आती हुई क्या आ रही है? ये नजर आ रही है। सेकेंड नियम देखते हैं। देखो सेकेंड नियम क्या कहता है कि ये हमने क्या बना लिया? उत्तल दर्पण बना लिया। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? ध्रुव। यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। ये अभी हम आगे प्रूव भी कर लेंगे, है ना। अब आगे सुनो, यदि कोई किरण किस पर आ रही है? यदि कोई किरण किस पर आ रही है? ध्रुव पर आ रही है। तो वो उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। सेम नियम इसकी तरह, बस इसमें तो दबे हुए पृष्ठ में था और इसमें क्या हो रहा है? उभरे हुए पृष्ठ में। यहां से प्रकाश की किरण आई, जितने कोण पर आई उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। कब होती है ये कंडीशन? जब हमारे पास कहाँ आ रही है? ध्रुव पर आ रही है। तीसरा नियम क्या कहता है? ये हमने क्या ले लिया? उत्तल दर्पण, इसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और यहाँ क्या होगा हमारे पास? वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। इसका जो तीसरा नियम है वो है कि यदि कोई किरण कौन से मार्ग में आ रही है? फोकस वाले मार्ग में आ रही है। देखो यहां तक तो आएगी, आगे जा नहीं सकती, लेकिन हम डैश 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 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ये जो हमारे पास किरण आ रही है ये कौन से वाले मार्ग में आ रही है? फोकस वाले मार्ग में। अब आगे तो जाएगी नहीं, तो इसे डैश 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 के द्वारा दिखा रहे हैं कि भाई इस मार्ग में आ रही है ना। तो जैसे अगर इस वाले में आती है तो ये इससे टकराएगी, और कैसे जाती है? ये मुख्य अक्ष के कैसे चली जाती है? समांतर चली जाती है। ये देखो मुख्य अक्ष के कैसे चली जाएगी? समांतर चली जाएगी। और लास्ट जो हम बात कर रहे हैं इसके नियम की, कि ये हमने कौन सा दर्पण ले लिया? उत्तल दर्पण, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और यहाँ क्या होता है? वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा होता है? फोकस बिंदु होता है।
ठीक है। यदि कोई किरण कौन से वाले मार्ग में आ रही है? वक्रता केंद्र वाले मार्ग में आ रही है। कौन से वाले मार्ग में आ रही है? देखो, वक्रता केंद्र वाले मार्ग में आ रही है, आगे तो जाएगी नहीं। तो क्या होगा अगर ये इस वाले मार्ग में आती है? तो इनका व्यवहार कैसा होता है? यहीं से ही टकरा कर ये क्या हो जाती है? ये वापस लौट जाती है। यहीं से ही टकरा कर ये क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या हैं? नियम हैं। ठीक है, देखो इसमें पहले सुन लो, अवतल दर्पण की बात करते हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात किससे जाती है? फोकस बिंदु से चली जाती है। दूसरा नियम, यदि कोई किरण ध्रुव पर आ रही है तो जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम, यदि कोई किरण फोकस से गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र वाले मार्ग में आ रही है तो इससे टकराकर वापस ऐसे की ऐसी क्या हो जाती है? लौट जाती है। ठीक है, इन चित्रों को इसी तरीके से क्या करना है, हमें याद रखना है। उत्तल दर्पण में भी यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात थोड़ा सा लगे, कहाँ से आती हुई नजर आती है? ये फोकस से आती हुई नजर आती है। सेकेंड नियम, यदि कोई किरण ध्रुव पर आ रही है तो उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम, यदि कोई किरण फोकस की ओर आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और चौथा नियम, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र वाले मार्ग में आ रही है तो यहां से टकराकर वापस से क्या हो जाती है? लौट जाती है। अब हम क्या करेंगे, कल इनकी सहायता से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा क्या बनाएंगे? हम प्रतिबिंब बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।